ईरान ने इसराइल के ऊपर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों की छड़ी लगा दी। हालांकि इस हमले के कुछ ही घंटे पहले इजरायली आर्मी को इस हमले की भनक लग गई थी और उसने अपने नागरिकों को चौकन्ना रहने के लिए कहा था, लेकिन जैसे ही ईरान ने मिसाइलें फायर करना शुरू किया वैसे ही पूरे इसराइल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे और लोगों के बीच भगदड़ मच गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, लेकिन जब ये हमला हो रहा था उसके थोड़े ही देर बाद यमन के हूती ने भी इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। हूती का कहना है कि उसने इसराइल के बहुत भीतर तक आईडीएफ के एक ठिकाने पर कुछ 5 क्रूज मिसाइल से हमला किया है। हूती के मुताबिक उसकी ये मिसाइल टारगेट पर जाकर लगी है। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हूती की मिसाइल फोर्स ने इसराइल के भीतर तक एक बड़ा हमला किया है। نفذت القوه الصاروخيه في القوات المسلحه اليمنيه عمليه عسكريه استهدفت مواقع عسكريه في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتله وذلك بثلاثه صواريخ مجنحه نوع قدس 5 وقد تمكنت الصواريخ من الوصول الى اهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العمليه। आपको बता दें कि हूती ने ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 को लेकर ईरान को बधाई दी है। हूती ने ये भी कहा है कि वो इसराइल पर एक साथ हमला करने के लिए ईरान का साथ देने के लिए तैयार है। ان القوات المسلحه اليمنيه تبارك عمليه الوعد الصادق الايرانيه الثانيه ضد العدو الاسرائيلي وتؤكد استعدادها للمشاركه في اي عمليات عسكريه مشتركه ضد العدو الإسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हूती ने जिस कुछ 5 क्रूज मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है आखिर वो कितनी ताकतवर है। तो आपको बता दें कि कुछ 5 एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल हाई स्टेल्थ और हवा में अपना रास्ता बदलने से लैस है। इस मिसाइल को यमन की एडवांस मिसाइल माना जाता है। ये जमीन से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल है। कुछ 5 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार, विध्वंसक ताकत और हर तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की है। कुछ मिसाइल को लेकर हूती का कहना है कि पिछली बार इसराइल पर कुछ 3 मिसाइल से हमला किया गया था जिससे सब हैरान रह गए थे, और अब हम कहते हैं कि कुछ रेंज की 5वीं जनरेशन की मिसाइल युद्ध के मैदान में उतर चुकी है और आपको आने वाले वक्त में ऐसे ही मिसाइल हमलों से आश्चर्य की उम्मीद करनी चाहिए। इस हमले के बीच आपको ये भी बता दें कि हूती ने इसराइल का साथ देने को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन को भी चेतावनी दी है। हूती का कहना है कि इसराइल को लगातार समर्थन से इलाके में अमेरिका और ब्रिटेन के हित खतरे में पड़ गए हैं और हूती ने साफ कह दिया है कि वो इसराइल के खिलाफ हमलों का विस्तार करने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। हूती का कहना है कि जब तक गाजा में युद्ध और इसराइल से कब्जा नहीं हट जाता तब तक उसके हमले जारी रहेंगे।